नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखा चैनल पे। मैं हूं तुलसी महतो और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कुछ आइडियाज लेके आया हूं लोगोज के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे तो जो है आप लोगो कई तरह से बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, मैं यहां से रेक्टेंगल लेता हूं और कंट्रोल की को होल्ड किए मतलब दबा के रखता हूं और इस तरह से ड्रैग करता हूं। इससे क्या होगा ना कि ये जो रेक्टेंगल बन रही है ये चारों तरफ से, जैसे कि मान के चलिए ये एक फीट है, तो इधर भी एक फीट, इधर भी एक फीट, एक इधर भी, ठीक है, स्क्वायर में आएगी। चलिए इस पे जो है मैं रेड कलर से दे रहा हूं मतलब फिल कर रहा हूं, और इसकी आउटलाइन, ये जो यहाँ पे लाइनिंग है साइड पे, इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये जो क्रॉस है इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो वो रिमूव हो जाएगी। ये हट गई, देख लीजिए। मैं टेक्स्ट यहां से लेता हूं, मेरा चैनल का सीखो सिखाओ नाम है तो मैं एस यूज करता हूं, और यहां से एरियल ब्लैक ले लेता हूं जो बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, और ये आसानी से मिल भी जाती है सारे सिस्टम पे। ओके, अब इसे व्हाइट से फिल कर देते हैं। ये देखिए, अब जो आपको करना है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और रेड पे ये जो रेक्टेंगल है और ट्रिम कर देना है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये जो ऐसे से डिलीट कर दीजिए, या जो भी करना हो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक कुछ इस तरह से जो है एक शेप बना ली। ठीक है, अब देखिए जो प्रॉब्लम आती है उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रिम करते हैं। ये देखिए, अब मैंने भी पहले भी आपको ट्रिम करके बताया और अब भी ट्रिम करके बता रहा हूं, तो प्रॉब्लम दोनों में देखिए कि क्या हो गई। अब देखिए क्या हो गया, अब तो कहां चला गया है एस और किधर चला गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, इसके लिए जो है ना, सबसे पहले आप टेक्स्ट को क्लिक कीजिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ इस रेड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसे आप ट्रिम करेंगे तभी ये काम करेगी। जो प्रॉब्लम आती है वो या जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि क्या करते हैं कि इस पहले इस रेड को क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद इस टेक्स्ट को, उसके बाद ट्रिम करते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रख लेना है। ओके, इतना करने के बाद देखिए इस पे और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इतना करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम जैसे किए हैं, और ट्रिम करने के बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक फिर से एक रेक्टेंगल ले लीजिए और उसे जो है कुछ इस तरह से कर दीजिए, आप रेड कलर से फिल कर दीजिए। इसकी विड्थ जो है आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, जैसे मैं 4 करता हूँ। ये देखिए, अब ये एक लोगो जैसी लगने लगी है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से तो आप बना ही सकते हैं, साथ अगर आप चाहें तो इसे सर्कल के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एस लिख लेते हैं, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है सीखो सिखाओ, और मैं यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, इसे मैं साइड पे रख देता हूँ। एक यहाँ से सर्कल लेते हैं इस तरह से, उसी तरह से मैं कलर से इसे फिल कर देता हूँ। इसकी आउटलाइन हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और ये जो एस लिखा हुआ है इसे हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ और कुछ इस तरह से, और इसे जितना बड़ा आपको सेट करना हो, जैसे कि मान के चलिए और भी आपको बड़ा चाहिए, तो दोनों को इस तरह से, और इसे व्हाइट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से बन गया है, कि आप चाहें तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैं जो है इसे कुछ इस तरह से बनाने वाला हूँ। ओके, इधर करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन से, और इसे हम लोग साइड पे रख देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि ये दिखाई पड़ जाएगा। हो गया, अब देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, अब चाहते इसे कंट्रोल के करके इसे अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये सिर्फ ऐसा पता नहीं चलेगा। चलिए यहाँ से फिर से हमें क्या करना है, एक सर्कल ले लेंगे जो कि इस तरह से आएगा और ये सेंटर पे हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे साइड करते हैं, सॉरी इन दोनों इसे यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर प्ले। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट करता हूँ मैनुअली, अब चाहते तो पहले ही बना के कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता, पहले ही बना लीजिएगा, और थोड़ी साइज और रेड कलर। ये देखिए,
हमने कुछ इस तरह से बना लिया है। तो ये भी एक सिंपल सा आइडिया है, अगर आप इस तरह का लोगो बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। जो मेरा पिछला वीडियो था उस पर जो मैंने आप लोग को बताया हुआ था, ये जो एस है इसे किस तरह से बना सकते हैं, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसे भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूं मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।